अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नादिर शफान। एक छोटी सी अवेयरनेस वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हुई हूं। फरवरी के महीने में कैंसर की अवेयरनेस का दिन मनाया जाता है, वो भी 4 फरवरी को। इसी बारे में हम बात करेंगे। इसका आप सब लोगों को ख्याल रखना चाहिए वो कौन से हैं। अगर आपको लग रहा है कि, सबसे पहले हम आपकी बाउल हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। खाना खाते वक्त अगर लगे कोई चीज़ गले में फंस रही है, या खाना फंस रहा है, या खाना इतनी आसानी से नहीं खाया जा रहा, पानी आसानी से नहीं पिया जा रहा, छोटा पेशाब फिर बड़ा पेशाब, उसकी तब्दीली आई रूटीन में, उसमें खून आना शुरू हो रहा है, आपको लग रहा है कि जिस्म में कोई गिल्टी बन गई है, कोई जिस्म का ऐसा दाना है जो ठीक नहीं हो रहा, जो बढ़ रहा है, जिसकी शक्ल बिगड़ रही है, इसके अलावा आपको लग रहा हो कि चेहरे पे या कहीं जिस्म में और कोई नए दाने बन रहे हों, कोई ऐसी खांसी हो जो काफ़ी अर्से से चल रही हो और वो ठीक ना हो रही हो, सीने में दर्द हो रही हो, ऐसी आपको लगे कुछ अर्से में आपकी आवाज़ की तब्दीली बन रही है, ये कुछ ऐसे अलामत हैं कि आपको लगे कि ये अगर कुछ अलामत आ रहे हैं या आपके किसी जानने वाले में कुछ ऐसे अलामत आ रहे हैं, तो ज़रूर टेस्ट करवाएं, चेकअप करवाएं। एक डॉक्टर का चक्कर लगाने में कोई हर्ज नहीं। डॉक्टर साहब के पास जाकर अपने कुछ बेसलाइन टेस्ट करवाएं। अब जहां आती है बात टेस्टों की, हर उम्र के हिसाब से, स्पेशली जब आपका एज अबव 30s 40s में जाती है, आपको अपने कुछ टेस्ट लाजमी करवाने चाहिए। आप अपनी एज के हिसाब से डॉक्टर्स के साथ जाके बात कर सकते हैं कि आपको साल में 2 दफ़ा या 1 साल में 1 दफ़ा बेसलाइन टेस्ट कौन कौन से करवाने चाहिए, मर्दों के औरतों के क्या क्या टेस्ट होने चाहिए, वो आप इस मामले में आपने अपने बेसलाइन चेकअप 6 माह बाद, बहुत अच्छी बात है अगर हो जाए, और अगर हर साल बाद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी आपके खून के टेस्टों में कोई तब्दीली आ रही हो, वो चीज़ें वक्त पे पता चल जाएं, तो आप, अगर कोई बात आपको बहुत लेट स्टेज में जाके पता चलती है, उससे आपको जो धचका लगे कि ज़िंदगी के साल कम रह गए हैं, खुदा ना खास्ता कैंसर की बीमारी निकल आई है या और भी कोई बीमारी निकल आई है, उसको अगर आप वक्त पे तशखीस करें तो बहुत फ़ायदा है, आप अपनी या अपने किसी प्यारे की जान बचा सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशंस ढेर सारी किस्म की आती हैं, बच्चों की अलग होती, ख़वातीन की अलग होती हैं, जो जो वैक्सीन जिस एज की हो वो लाजमी लगवाएं, वो लाजमी करवाएं, उस पर आपने ढील नहीं करनी। आपके अगर कोई जानने वाले ऐसे हैं, आजकल तो खैर वैक्सीन का जब भी नाम आता है तो कोविड की वैक्सीन की बात आती है, तो वो तो खैर मैं लाजमी कहूँगी कि अब तो आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने लगवा ली होगी, अगर नहीं लगवाई तो प्लीज़ जाके लगवाएं, उसमें प्लीज़ कोताही ना करें। बूस्टर डोजेज आजकल आई हुई हैं, वो लगवाएं। गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी की हुई है, मोबाइल वैन्स भी होती हैं आपको कुछ जगहों पर नज़र आती हैं, मैंने खुद रास्ते में 2-3 दफ़ा देखी हुई है, मेरे घर का जो जहाँ मैं रहती हूँ उधर भी वैन आती है। मेरे ख्याल से बूस्टर और वैक्सीनेशन, इसमें तो खैर कोई माफ़ी नहीं, वो तो ज़रूर करानी चाहिए आप लोगों को। अब हम बात करेंगे कि कैंसर किस किस तरह के आ जाते हैं। हम देखें वक्त के साथ, अगर आप सुन रहे हो तो अजीब अजीब किस्म की बीमारियां बन रही हैं, अजीब अजीब किस्म की बीमारियां सामने आ रही हैं। अब हमारा वक्त के साथ, हम इतने डिजिटलाइज हो चुके हैं, हमारे इतनी टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट इतने हो गए हैं कि हम नेचर से काफ़ी हद तक हट चुके हुए हैं। अब जहाँ तक बात आती है कुछ प्रिवेंशन की, उसमें यही है कि आप अपनी वो चीज़ें जो आप रूटीन से हटके करते हैं, आप उनकी पहले तशखीस करें। आप अगर आप कोशिश करें आप घर का खाना खाएं, सब्जियाँ आपके खाने में अच्छी मिकदार में होनी चाहिए, आपकी खुराक में सब्जियाँ हों, फल हों, फ्रूट हों, फ्रेश फल हों, फ्रेश सब्जियाँ हों, चिकन हो तो कोशिश करें अच्छा साफ़ सुथरा हो, कोई देसी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स हो, आप विटामिन डी ले रहे हो, आप कुछ अच्छे डाइटरी सप्लीमेंट्स ले रहे हो, अगर आप विटामिन की गोलियां ले रहे हो वो ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, विटामिन डी के आप कैप्सूल्स खाने को भी मिलते हैं और इंजेक्ट करने को भी मिलते हैं, सनलाइट अच्छी ले रहे हो, आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। पैकेट की चीज़ें अवॉइड करें, डब्बे की चीज़ें अवॉइड करें, खालिस गज़ाएं लें, घर में अगर आप कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं, उगा सकते हैं, तो उससे बेहतरीन तो कोई चीज़ नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि जो नहीं कर सकते वो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे, जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और इसके अलावा बाज़ार की चीज़ें अवॉइड करें, बेकरी की चीज़ें अवॉइड करें। ये तो सारी मैंने टिप्स बताई हैं, इस सबसे एक फ़ायदा तो होगा आपका वज़न कंट्रोल होगा, और नेक्स्ट बात मैं यही करने वाली थी। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका वज़न कंट्रोल में हो। आपका वज़न आपका BMI आइडियल होना चाहिए। हर मर्द और हर औरत का अपनी उम्र और अपनी हाइट के हिसाब से एक ख़ास वज़न होता है कि इतना होना चाहिए, एक रेंज होती है। अपने हाइट वेट
और अपनी जिन्स के हिसाब से कि मेल हूँ कि फीमेल हूँ, उसका आप देखें कि मेरा क्या होना चाहिए। इंटरनेट पे सारी ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इसके अलावा डाइटिशियंस भी होते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी होते हैं, डॉक्टर्स भी आपको गाइड कर देंगे। आप इस चीज़ में रहें कि मेरा वजन आइडियल होना चाहिए। वजन आइडियल करने के लिए पहले तो मैंने खुराक की बात बता दी, नेक्स्ट मैं बात करने लगी हूँ फिजिकल एक्टिविटी की। वॉक लाजमी, बाहर जाके नहीं कर सकते पार्क में कर लें, पार्क में नहीं कर सकते टेरेस पे कर लें, टेरेस में नहीं कर सकते गार्डन में कर लें, बालकनी में कर लें, कमरे में कर लें। मैंने कमरे में भी वॉक की हुई है, लाइक कमरे में चक्कर लगा लो। जस्ट आपका हार्ट रेट तेज होना चाहिए, कुछ देर के लिए आपकी जिस्म की एक्टिविटी होनी चाहिए। थोड़ी देर हार्ट रेट तेज करें, थोड़ी देर कमरे में बेशक वॉक करें, फिर कमरे में एक्सरसाइज करें, बेसिक एक्सरसाइज करें, कार्डियो करें। जो मैंने सारी बातें बताई ना, कार्डियो हो गया, कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइज हो गई, कुछ आपके बॉडी टोन अप करने की एक्सरसाइज हो गई, वो सब इंटरनेट पे मौजूद हैं। बस आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए। अपना नाइट में अपनी स्लीप वो अच्छी करें। रात की स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। स्ट्रेस फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी इम्यूनिटी कम करता है। आपके अंदर इम्यूनिटी कम होती है तो आपका रेस्ट अच्छा नहीं होता, और ये चीज़ें आपको बीमारियाँ खुद आपकी तरफ आ जाती हैं। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है आपने कि आपकी स्ट्रेस आपने बिल्कुल नहीं लेना। इसके अलावा सोडा ड्रिंक्स हो गई, शराब हो गई, टोबैको हो गया, स्मोकिंग हो गई, ऐसी फैक्ट्रियां जो धुआं देती हैं उनको अवॉइड करें, उस जगह पे जाना अवॉइड करें। अगर आपका घर किसी ऐसी जगह पर है तो कोशिश कर सकते हैं तो घर तब्दील कर लें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपनी रूटीन में लेकर आएँ, क्या क्या प्रिवेंशन हो सकती है उससे बहुत 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 फ़ायदा होगा। अगर आप कोई अच्छी चीज़ सुने उसको आगे शेयर करें। अगर आपने मेरी वीडियो सुनी है तो अगर आप ये बातें खुद अब किसी को अपने जानने वाले को बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये वीडियो किसी को भेजेंगे वो सुनेगा, किसी की जान बच जाएगी, किसी की कुछ अलामत ऐसी आ रही हो और वो उन पर ध्यान ना दे रहा हो और वो वक्त पर जाके चेकअप करवाए और खुदा ना खास्ता कोई बाद में जाके कोई बुरी खबर मिले, इससे बेहतर कि अगर हम पहले किसी बंदे की कोई चीज़ पकड़ी जाए, खुदा ना खास्ता कोई कैंसर बन रहा है, कोई मर्ज बन रहा है, तो उसकी जान बच जाएगी। तो ये मेरा वीडियो बनाने का भी एक हासिल हो जाएगा, और आपका उस वीडियो को शेयर करना या उस अच्छी बात को सुन के आगे करना ये एक सदका जारिया है, इसको ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।